Hey guys, welcome back to my channel और मैं हूँ राबिया। वीडियो की शुरुआत में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि हमारे स्किन के जो पोर्स होते हैं ना वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, लेकिन अगर ये ज्यादा ऑयल से क्रिएट करने लगते हैं तो हमारे पोर्स जो है वो बढ़ने लगते हैं और हमको लार्ज पोर्स की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और अगर यही ऑयल के साथ में हमारे स्किन की डेड सेल्स कंबाइन हो जाते हैं ना, तो समझो हमारे स्किन की तो बैंड ही बच जाती है। क्लॉग पोर्स यानी कि ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, जो टाइनी बम्प्स होते हैं वो, एक्ने, पता नहीं कितनी सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है और हमारी स्किन जो है वो बिल्कुल खराब दिखने लगती है। तो अगर आप भी इसमें से कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो ना, तो गाइस ये वीडियो आपके लिए होने वाला है बहुत ही ज्यादा यूजफुल और इफेक्टिव। तो जो भी मैं आपको टिप्स बता रही हूँ उसको जरूर फॉलो करो, आपकी स्किन बन जाएगी बिल्कुल क्लीन, क्लियर और एकदम स्मूथ, और उसके साथ साथ ब्राइट और रेडियंट भी। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स, मैं हूँ राबिया और चलिए शुरू करते हैं हमारा आज के वीडियो से। गाइज अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम है ना, तो सबसे पहले आपको यूज करना है ये वाला फेस वॉश, जिसके लिए आपको चाहिए होगा थोड़ा सा चारकोल पाउडर और चाहिए होगा थोड़ा सा कॉफी पाउडर। अगर आपके पास चारकोल पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह पे बेसन यूज कर लेना। इसमें ऐड करें थोड़ा सा हनी, इसको आपको अच्छे से मिक्स कर लेना। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। अपने फेस को अच्छे से गीला कर लीजिए, इसको लेके आप अपने पूरे फेस पे अच्छे से रब कीजिए। इससे आपको कोई झाग वगैरह तो नहीं निकलेगा, लेकिन उसकी आपको जरूरत ही नहीं, क्योंकि इससे आपकी स्किन इतनी क्लीन हो जाएगी। चारकोल कॉफी आपकी स्किन से सारे डर्ट, इम्प्यूरिटीज को निकाल फेंकेंगे, आपके पोर्स को बिल्कुल क्लीन करेंगे। और अगर आपको ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम होते रहती तो ये सबसे बेस्ट फेस वॉश है आपके लिए। और हनी आपकी स्किन को मॉइस्चराइज कर देगा और आपके पोर्स को भी क्लीन करेगा। तो ये बहुत ही इफेक्टिव फेस वॉश है क्लॉग पोर्स वालों के लिए, लार्ज पोर्स वालों के लिए, ऑयली स्किन वालों के लिए, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स या एक्ने वाली स्किन के लिए भी, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा फेस वॉश है, इसको जरूर ट्राई करें। अच्छे से रब करने के बाद में आप अपने फेस को वॉश कर लीजिए और अपने फेस को अच्छे से सूखा पोंछ लीजिए। अगर आपको बहुत ज्यादा जिद्दी, आपके स्किन में एकदम डीप में घुस के बैठे हुए ऐसे ब्लैक हेड्स है, तो उसके लिए आप करें स्टीमिंग, ठीक है। स्टीम लेने के लिए जो आप नॉर्मली बर्तन में पानी लेते हो, टॉवल से करते हो, वैसे आप करें या फिर स्टीमर यूज करें, जो भी आप करें आप कम से कम 10 मिनट के लिए करें। और आपके जो भी अफेक्टेड एरिया से, जैसे आपका नोज या आपके चीक्स या आपके चिन, वो एरिया को ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करें। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपके जो पानी है उसमें दो में से कोई एक चीज डाले, या तो टी ट्री एसेंशियल ऑयल डाले, नहीं होगा तो लेमन की जो पील्स होते हैं छिलके वो डाल दीजिए, बस। इसके बाद में आप स्टीम लीजिए, इससे आपके पोर्स बिल्कुल खुल जाएंगे, आपकी स्किन की सारी इम्प्यूरिटीज बाहर आ जाएगी, आपके डेड सेल्स जो भी आपके पोर्स में जमा है जिसकी वजह से आपको ये बम्प्स दिखते हैं, लार्ज पोर्स होते हैं आपकी स्किन में, ये ब्लैक हेड्स हो गए हैं, क्लॉग पोर्स हो गए, वो सारी चीजें आपकी बाहर आने लगेगी। तो अच्छी तरीके से आप स्टीम लीजिए, नॉर्मल ब्लैक हेड्स के लिए भी बहुत अच्छा काम करेगा, लेकिन जिद्दी ब्लैक हेड्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है एक्सफोलिएशन, ठीक है। और एक्सफोलिएशन के लिए मैं केमिकल पीलिंग आपको सजेस्ट करूंगी, लेकिन हर कोई इतना अफोर्ड कर नहीं सकता, ना टाइम है ना पैसे है। तो घर पे इसको कैसे कर सकते हो, आप लीजिए थोड़ा सा दूध, ठीक है, कच्चा दूध, और इसमें आपको डालना है थोड़ा सा विनेगर, ठीक है। सबकी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट और उनकी क्वांटिटी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है। फिर आपको इसमें डालना है शुगर यानी कि चीनी, ठीक है, और डाले थोड़ा सा लेमन जूस, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए जब तक आपकी शुगर जो है, चीनी जो है, इसमें घुल नहीं जाती। इसको अच्छे से मिक्स करें, इसको लेके फेस वॉश करने के बाद में इसको लेके आप अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लीजिए। कोई महंगे आपको केमिकल पीलिंग की जरूरत नहीं है, ये इससे आपकी स्किन आपको पील होते हुए दिखेंगे नहीं, लेकिन आपके डेड सेल्स जो है ना वो झड़ते रहेंगे, शेड होते रहेंगे, आपकी स्किन की ऊपर की लेयर जो है वो रिमूव हो जाएगी, जिससे आपकी अंदर की इनर ब्राइट और ग्लोइंग स्किन बाहर आएगी, आपके जो पोर्स क्लॉग्ड हो गए हैं ना वो अनक्लॉग्ड होने लगेंगे, यानी कि आपके बम्प्स, आपके ब्लैक हेड्स, आपके व्हाइट हेड्स, आपके एक्ने तक इससे चले जाएंगे गाइस। तो ये बहुत ही अच्छा केमिकल पीलिंग एक्सफोलिएशन वाला ट्रीटमेंट है, और जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ क्लॉग पोर्स वाले करे, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है, इससे दूर रहना चाहते हो तो भी आप इसको कर सकते हो। हफ्ते में 2 से 3 बार इसको रिपीट करें बेस्ट रिजल्ट्स के लिए। अच्छे से अप्लाई करके रखें, 20 to 30 मिनट्स के लिए वेट करें, और उसके बाद में आप अपने फेस को वॉश कर लीजिए। इसका एक बार में रिजल्ट देखिए ना, आप हैरान हो जाओगे, आपकी स्किन इतनी ब्राइट भी दिखेगी, क्लीन भी दिखेगी, क्लियर भी दिखेगी और ग्लो भी करेगी। प्लस अगर आपकी स्किन का जो नेचुरल कलर है वो खो गया है तो वो भी वापस आ जाएगा, मतलब आपकी स्किन इससे इवन टोन्ड, लाइटेंड और ब्राइटेंड दिखेगी, तो वो भी इससे आप अचीव कर सकते हो। और अगर आपको ये सारी घरेलू चीजें सूट नहीं करती, आपके पास इतना टाइम नहीं है गाइस, तो मैं आपको सजेस्ट करने वाली हूँ ये डर्माको का AHA BHA जेल। इसमें ग्लाइकोलिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड है, जो मेरे लिए मतलब ऐसी चीज है ना, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, ये दोनों का कॉम्बिनेशन इसमें, उसके
अलावा इसमें नियासिनामाइड भी है, मतलब ये आपकी स्किन को जो ऊपर की डेड सेल्स की लेयर होती है वो रिमूव कर देता है। अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम है, पिंपल्स है छोटे मोटे या टाइनी बम्स हो गए हैं, या आपके ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स आपका पीछा नहीं छोड़ते, या आपको लार्ज पोर्स की प्रॉब्लम है, या आपके क्लॉग पोर्स, मतलब ये सारी चीजें अगर आपको है ना तो ये एक मस्ट है। और ये जरूरी नहीं कि आपको ये है ही। केमिकल पीलिंग जो है वो हम हर 15 डेज में करते रहते हैं, तो अगर आप वो नहीं करते हो उसके जगह पे आप डेली ये जेल लगाते रहते हो ना अपनी स्किन में, आपको केमिकल एक्सफोलिएशन का रिजल्ट मिलेगा गाइस, क्योंकि इसमें ग्लाइकोलिक एसिड और सैलिसिलिक एसिड है, और ये वो प्रोडक्ट है जो डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड ही नहीं है, डिजाइंड भी है, डॉक्टर्स ने इनको डिजाइन किया है, पैराबेन फ्री है, सिलिकॉन फ्री प्रोडक्ट है। तो मेरे लिए ये बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। बस इसको लेके आपको अपने पूरे फेस पे फेस वॉश करने के बाद, अगर आप टोनर वगैरह अप्लाई करते हो उसके बाद में इसकी थोड़ी सी अमाउंट लेके 2-3 डॉट्स इधर उधर अप्लाई करके अपने फेस पे अच्छे से रब कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में इसको ऐसे ही रहने देना है, मॉर्निंग में उठ के आप वॉश कर सकते हो। तो स्पेशली अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम है, क्लॉग पोर्स की प्रॉब्लम है, तो दिस इज दैट जेल जो आपको लगाना चाहिए डेली बेसिस पे। उसके बाद में मैं एक डीआईवाई आपको एक ऐसा ट्रीटमेंट बता रही हूँ जो आप कर सकते हो ऑयलीनेस के लिए, लार्ज पोर्स के लिए, ब्लैक हेड व्हाइट हेड या क्लॉग पोर्स के लिए, और स्पेशली आपके पिगमेंटेशन स्पॉट्स के लिए। और इसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है थोड़ा सा विनेगर, ठीक है। एप्पल साइडर विनेगर होगा ना तो इससे बेहतर कोई चीज आपको मिल ही नहीं सकती, लेकिन नहीं है, ज्यादातर लोगों के पास नहीं होता है, तो आप व्हाइट विनेगर भी ले सकते हो। इसमें आपको डालना है थोड़ा सा क्यूकम्बर का जूस यानी कि खीरे का रस, ठीक है। इसको अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है, एक कॉटन बॉल लेना है, और इसको लेके आपको आपके पूरे फेस पे फेस वॉश करने के बाद, ठीक है, इसको लेके अपने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। वेट करना है आपको 20 मिनट्स के लिए, तब तक ना ये आपकी स्किन की जो भी पोर्स है उसको क्लीन कर देगा, उसके इम्प्यूरिटीज को बाहर निकाल देगा, आपके जो ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स है उसको वो रिमूव करने लगेगा। एक बार में पूरे ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स नहीं जाएंगे, लेकिन एक हफ्ते में आपकी जो स्किन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अच्छे से आपको अप्लाई कर लेना है, वेट करना है 20 मिनट्स के लिए, उसके बाद अपने फेस को वॉश कर लीजिए, एंड दैट्स इट। ये ट्रीटमेंट को आप दिन में एक बार कर सकते हो, एक हफ्ते के लिए आप करके देखिए, आपकी स्किन बिल्कुल क्लीन हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। अगर आप अपनी स्किन को स्पॉटलेस भी बनाना चाहते हो, क्लियर तो कर ही लोगे आप मेरे डीआईवाई ट्रीटमेंट से, और अगर आप ये जेल यूज कर रहे हो तो उससे, और अगर इसके साथ साथ गाइस अगर आप स्पॉटलेस स्किन चाहते हो, मार्क्स एक्ने स्कार्स को रिड्यूस करना चाहते हो, तो आप यूज करें रेटिनॉल सीरम। ये रेटिनॉल सीरम है स्पॉटलेस स्किन के लिए, ये द डर्माको का रेटिनॉल सीरम है, इस पे लिखा ही है फॉर स्पॉटलेस स्किन, यानी कि आपके स्पॉट्स, ब्राउन स्पॉट्स, डार्क स्पॉट्स, कोई भी ब्लेमिशेस है, एक्ने के स्कार्स, मार्क्स हो गए, किसी भी तरीके का डिस्कलरेशन है, उसको ये रिड्यूस तो कर देगा। यानी कि अगर टीनेजर ज्यादातर प्रॉब्लम फेस करती है, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप बेझिझक इसको यूज करें, लेकिन क्योंकि इसमें रेटिनॉल है, इसमें AHA BHA कॉम्प्लेक्स है, इसमें स्टेबलाइज्ड विटामिन सी है, तो मैं आपको स्पेशली एंटी एजिंग के लिए भी सजेस्ट करूंगी, क्योंकि आफ्टर ए सर्टन एज हमारी स्किन सेल्स का जो टर्नओवर रेट है ना वो बहुत ही कम हो जाता है, तो इसीलिए आप ऐसी चीज लगा जो आपकी ये टर्नओवर को बढ़ा दे, ठीक है। रेटिनॉल जो है वो ये काम करता है, ये आपकी स्किन के सेल्स के टर्नओवर को बढ़ा देता है, यानी कि आपकी डेड स्किन सेल्स जो है वो रिमूव होने लगती है। सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपकी स्किन में कोलेजन को बढ़ाता है जिससे आपकी स्किन फर्म होती है। तो इसको अप्लाई कैसे करना है, आपको 4 से 5 ड्रॉप इसकी लेनी है, क्लीन फेस पे इसको अच्छी तरीके से अप्लाई करना है, मसाज करना है। बस ये ध्यान दीजिए कि इन दोनों प्रोडक्ट्स को आपको साथ में यूज नहीं करना है, क्योंकि इसमें ग्लाइकोलिक सैलिसिलिक एसिड और उसमें रेटिनॉल का ये प्रोडक्ट है, तो इन दोनों को साथ में अप्लाई नहीं करें। मैं दोनों को पसंद करती हूँ लेकिन साथ में यूज नहीं कर सकते, इसलिए मैं एक दिन इसको यूज करती हूँ, एक दिन इसको यूज करती हूँ। इससे मुझे दोनों के, मैं आसानी से इसको अप्लाई भी कर पाती हूँ, दोनों के रिजल्ट भी मुझे मिल जाते हैं। इन दोनों के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखी है, आप इसको जरूर परचेज करके यूज करें। स्किन 25 अगर आप कोड यूज करोगे ना, आपको एक्स्ट्रा 25% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा इस पे। और जब आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी ना, आपकी स्किन जब बिल्कुल क्लियर दिखने लगेगी, सारे बम्स, आपके पिंपल्स, आपके एक्ने, आपके क्लॉग पोर्स यानी कि ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स सारे दूर हो जाएगी, आपकी स्किन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अगर आप एक एक्स्ट्रा रेडियंस चाहते हो, गोल्डन ग्लो चाहते हो अपने फेस पे, अपनी स्किन को बिल्कुल हेल्दी दिखाना चाहते हो, तो आप ये चीज करना, आप लेना थोड़ा सा लेमन जूस और इसमें डालना थोड़ा सा एलोवेरा जेल और इसमें डालना थोड़ा सा हल्दी और डाले थोड़ा सा ग्लिसरिन, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना, इसकी एक अच्छी सी पतली लेयर अपने पूरे फेस पे अप्लाई करना। जब आपकी डेड स्किन सेल्स की सारी लेयर रिमूव हो गई है, तो आप एक स्मूथ स्किन के ऊपर जब आप इसको अप्लाई करोगे ना, जो भी आप अप्लाई करोगे ना, आपकी स्किन में इतने अच्छे से वो पेनिट्रेट होगा ना, और अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। इसको अच्छे से आप अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लीजिए, वेट करना है आपको 20 मिनट्स के लिए। ये आपकी स्किन को स्मूथ करने के साथ साथ सॉफ्ट भी करेगा, हाइड्रेटेड भी करेगा, ब्राइट, रेडियंट और ग्लोइंग भी बनाएगा, ठीक है। तो 20 मिनट्स के बाद में बस इसको वॉश कर लीजिए, और उसके बाद में जो आपको रिजल्ट मिलेगा ना, वो मेरे लिए बिल्कुल सेटिस्फाइंग होगा। ये वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, और प्लीज इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी जरूर शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
ऐसे बहुत सारे वीडियोस को देखने के लिए। मैं आपको मिलूंगी मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय गाइस।